दोस्तों जब भी हम किसी भी गाड़ी का इंजन फिट करते हैं तो सबसे पहले साउंड के लिए क्या चीज़ होती है, हेड। ये हेड देख पा रहे हैं दोस्तों, साउंड के कम करने के लिए नई जैसी के गाड़ी का साउंड करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें इंजन में चेक करना पड़ता है। तो उसमें से एक चीज़ है वो है हेड। ये हेड देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या मेंटेनेंस होता है, ये सब मेंटेनेंस है, ये सभी हेड में लगा होता है। तो दोस्तों हमें किसी भी गाड़ी का हेड हमने करना सीख लिया सही तरीके से तो उसका साउंड है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है नई जैसी बाइक का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हेड को किस प्रकार से हमें फिट करना चाहिए कि नई जैसी आवाज़ हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा मेरे पास हीरो की 100 सीसी की जितनी भी गाड़ी होती है सभी में हेड है वो एक जैसा ही होता है, जैसे कि देख पा रहे हैं। एक आधी ऐसी बाइक है जिनका अलग होता है, जैसे कि पैशन प्रो हो गया, तुम्हारा ग्लैमर हो गया, उनका अलग अलग होता है। लेकिन जो 100 सीसी की ज़्यादातर गाड़ी होती है सभी का हेड एक जैसा ही होता है, जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले को हेड को फिटिंग करने के लिए ये दो बार्सल होते हैं, ठीक है। ये बार्सल दोस्तों, ये बार्सल होनी चाहिए। और सबसे पहले फिटिंग करने से पहले दोस्तों क्या होनी चाहिए, क्लीनिंग। देखो सबसे पहले इस प्रकार से क्लीनिंग होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग होनी चाहिए। दोस्तों आपने एयर नया सामान डाल दिया और गाड़ी में अच्छी तरीके से सफाई नहीं हुई तो आपका डालना और ना डालना एक बेकार है, क्योंकि वैसे कह देते हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं कि दवाई दे देते हैं, लेकिन आप और उसका परहेज नहीं करते हो तो डॉक्टर की दवाई देना बेकार है क्योंकि आप परहेज नहीं करते। इसी प्रकार इसमें इंजन में अप्लाई होता है कि अगर किसी भी गाड़ी का आप इंजन करते हो तो उसमें सबसे पहले धुलाई होनी चाहिए, जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने ये कैसी धुलाई की है, नया जैसा लग रहा है, इसलिए धुलाई ऐसी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। तो फिटिंग करने में सबसे पहले ये बार्सल होनी चाहिए, ये दोनों बार्सल, ठीक है। कई मैकेनिक भाई इन बार्सलों को गायब कर देते हैं और स्प्रिंग वैसे ही लगा देते हैं, इससे हेड को डैमेज होने का चांस रहता है, इसलिए ये बार्सल सबसे पहले लगते हैं। ये बार्सल लगते हैं यहाँ इस प्रकार से, एक इधर और एक इधर, ठीक है। उसके बाद ये लगती है बाल सील, ये बाल सील है, ये HPA कंपनी की बाल सील है। जब भी किसी भी गाड़ी का आप हेड फिटिंग करते हो तो उसमें ओरिजिनल बाल सील फिटिंग करें दोस्तों। ये बाल सील इस प्रकार से फिटिंग करनी है, ठीक है। ये होगी दूसरी इस तरीके से होगी फिटिंग। उसके बाद क्या करना है, ये हमारे बाल हैं, ये बालों को हमें फिटिंग करना है दोस्तों। ये बड़ा वाला बाल है वो किधर होना चाहिए हमारा, इधर इनलेट बाल्ब लगा होता है उधर, ठीक है, मतलब कार्बेटर लगा होता है उसकी तरफ। अगर दोस्तों ये बालों को इस प्रकार से लगाना है, ये बड़ा वाला हॉल देख पा रहे हैं, ये बड़ा बाल का बाल लगेगा, ये रहा कुछ इस प्रकार से, और छोटा बाल उधर, ठीक है, ये बाल लग गया। इसके बाद ये स्प्रिंग देख पा रहे हैं, ये स्प्रिंग चार स्प्रिंग है, एक छोटी स्प्रिंग है, एक बड़ी, इन दोनों स्प्रिंगों को इस प्रकार लगाना है इस प्रकार से, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर लगता है ये, इसमें लगते हैं दो लॉक, एक ये लॉक और एक ये लॉक, ठीक है। ये इस प्रकार से इस पर रखनी है, ऐसे ही हमें दूसरा बाल फिट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले ये देख पा रहे हैं ये रॉकर ये बता रहा था हमारी गाड़ी का साउंड दोस्तों। ये रॉकर की ये वो बॉल बैरिंग देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर नीचे प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हमें चेक करना है तो ऊपर नीचे इसमें प्ले नहीं होगी, शार्ट प्ले तो होनी चाहिए, जैसे कि ये शार्ट प्ले है थोड़ी, ये होनी चाहिए, लेकिन ऊपर नीचे प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें दोनों रॉकरों को इस प्रकार चेक करना है, और इसमें प्ले है तो हमें रॉकर को चेंज करना है, नया रॉकर डालना है। उसके बाद ये कैम रही, ये कैम है, इनकी बैरिंग को हमें चेक करना है, बैरिंग इस प्रकार से हिलनी नहीं चाहिए, और हिलती है तो हमें बैरिंग को नहीं डालना है। एक बैरिंग ये चेक करना है, दूसरी बैरिंग ये चेक करना है, तीसरी हमें कैम को चेक करना है। कैम के ये जो टेपर देख रहे हैं ये ज़्यादा अगर घिसे हुए हैं तो आपको कैम को चेंज करना है दोस्तों। टेपर घिस जाने के बाद कई मैकेनिक भाई हैं वो कैम चेंज नहीं करते, तो जिससे आपकी गाड़ी का साउंड है वो बेकार रहता है। चाहे आप कितना भी बाल को टाइट कर लें लेकिन बाल जैसी आवाज़ जो आती है वो बंद नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार के हमें दोनों बालों को फिट कर लेते हैं। इसके बाद ये रही इसकी टोपी बार्सल है, ये इसका लॉक, दो लॉक होते हैं इस प्रकार से हमें लगाने, ठीक है। लॉकों को इस प्रकार से फंसा कर हमें लेना है एक पाना और हमें लेना है एक कपड़ा, ठीक है, पाना और कपड़ा दोस्तों। हेड को फिट करने के लिए ये कपड़ा इस प्रकार से हमें लेना है और ये नीचे रखना है, ठीक है, इस प्रकार, और प्लग पाना इसके अंदर है अभी जो मैंने बताया था। और इसकी रही ये रही कैप, इसमें जो बार्सल ये लॉक लगी हुई है इस लॉक को इस प्रकार से लगाना है, और हमें ये प्लग पाना को
इस प्रकार से लगाकर हमें नीचे की तरफ दबा देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये लग चुका है। देखो ऐसे ही हम दूसरे बाल की दोनों स्प्रिंगे लेंगे, एक छोटी एक बड़ी। दोनों स्प्रिंगों को इस प्रकार लगाएंगे और ऐसे ही इसमें ये दोनों लॉक लगाएंगे। दोस्तों जब भी ये इस लॉकों को लगाएं तो इसे छोटा वाला ये हिस्सा देख पा रहे हैं, छोटा वाला हिस्सा ये नीचे की तरफ रहता है और जो बड़ा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें दोनों लॉकों को लगाकर और उसी प्रकार हमें दबाना है। देखो इस प्रकार से दबाना है और ये हो गया हमारा लॉक। ठीक है, ये अब हमारे दोनों बार्सल हैं, टोपी वाले बार्सल, ये फिटिंग हो चुके हैं। हमारे दोनों बाल हैं वो फिटिंग हो चुके हैं। अब जब भी हम ये कैम लगाएं तो ये कैम का ये प्लेन वाला हिस्सा ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। दोस्तों ये जो ठेपा देख पा रहे हैं ये आमने सामने इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, ये प्लेन वाला ये हिस्सा है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हमें कैम का टांग मिलाना है। देखो जैसे ये देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमें कैम को बिठाना है और ये हेड में कट देख पा रहे हैं, इस कट की सीध और ये कैम के ओलों की दोनों की सीध एक ही बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहीं पे हमारा कैम का टाइम मिलता है। दोस्तों यही टाइम मिलाकर हमें रॉकरों को सेट करना है। इस प्रकार से हमें रॉकर लगाना है, ये लग चुका है। और रॉकर में ये पिन देख पा रहे हैं, ये पिन के अंदर ये चूड़ी है, ये चूड़ी बाहर की तरफ हमें लेनी है जब भी हमें पिन लगाना है इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे हम दोनों रॉकरों को सेट कर देंगे। ये हो चुकी है कम्प्लीट हेड की फिटिंग।